इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातें सरगरम। एक और बड़ी जमात ने 7 साल बाद सियासी अखाड़े में उतरने का फैसला कर लिया। सियासत छोड़ने वाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात एक बार फिर आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पीएटी के मरकजी सदर काजी जाहिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म और अपने इंतखाबी निशान से आइंदा होने वाले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने 2013 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, मगर 2015-16 के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। पार्टी के मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में बजाते खुद हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि पार्टी किसी सियासी इतिहाद में शामिल भी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इतिहाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपने 4 साल दौर में तहरीक इंसाफ ने जान बूझ कर अवामी तहरीक के कारकुनान को 2014 के सानिहा मॉडल टाउन में इंसाफ फराहम करने से गुरेज किया, जिसमें पार्टी के 14 कारकुनान पुलिस छापे में मारे गए थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा और मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने 2019 में अपनी सेहत के मसाइल और दीनी और इस्लाही कामों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था।